सिवनी जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी कलम की मांग पर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी सिवनी इकाई के जिला उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह सनोडिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से 2021 में होने वाली जनगणना के जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी के कलम ओबीसी महासभा की मांग का समर्थन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। जिला मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया, सर्वविदित है कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में तीन वर्ग बनाए गए हैं। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है, क्योंकि जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी वर्ग का कॉलम नहीं होता है। ओबीसी महासभा द्वारा लंबे समय से जनगणना 2021 के फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम बनवाने शासन प्रशासन से निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन पूर्व की भांति इस बार भी जनगणना फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कॉलम नहीं है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।